हेलो गाइस, आज हम कुछ इस प्रकार की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो सिंपली हम दिलीप जोशी के साथ यूँ सेल्फी लेंगे जो कि फोटो अकेला रहेगा, लेकिन हम उसमें सेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा गैलरी में। तो गाइस, गैलरी में आ चुका हूँ मैं और ये वाला फ़ोटो लूँगा जेठालाल का, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। आप वहाँ से डाउनलोड कर देना, यहाँ से शेयर करेंगे, सीधा फोटो रूम में सेंड करेंगे और फोटो को कट करेंगे यहाँ से। तो गाइस, प्रोसेसिंग हो रही है। तो ऑलराइट गाइस, फोटो हमारी कट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो गाइस, फोटो को मैं यहाँ से सेव कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। फोटो सेव हो जाने के बाद गाइस, वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे और वापस गैलरी में जाएंगे। तो वापस गैलरी में आने के बाद गाइस, यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा एक फ़ोटो लूँगा। तो गाइस, यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लूँगा यहाँ से और सेंड करूँगा फ़ोटो रूम में वापस से। तो गाइस, फ़ोटो रूम में सेंड कर दिया फ़ोटो को। तो यहाँ से कट हो जाएगा अपना। आपको भी फ़ोटो रूम चाहिए तो सिंपल प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लेना फ़ोटो रूम में, तो आ जाएगा। तो फ़ोटो हमारा कट हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसके तीन बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड चूज़ करूँगा जो कि इससे बहुत ही क्वालिटी बढ़िया आती है। तो गाइस, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे। सेव टू गैलरी करने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे सभी। तो इतना होने के बाद गाइस, सीधा जाएंगे स्नैपसीड में जाएंगे। तो यहाँ से सर्च करेंगे स्नैपसीड। तो यहाँ पर स्नैपसीड में आने के बाद गाइस, तो गाइस स्नैपसीड में आने के बाद मैं जो फोटो कट किया है उस वो फोटो ले लूँगा फिर से। तो गाइस, जो मैंने लिया था फोटो उसको ले लूँगा। तो ये वाला फोटो था। तो यहाँ से टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हीलिंग टूल यूज़ करूँगा, जिससे थोड़ा थोड़ा यूँ घुमा देना अपने हेड पे तो रिमूव हो। तो गाइस, फोटो हमारा एकदम ही बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से क्लिक करूँगा। तो गाइस, जितना आने के बाद फोटो को करते सेव। तो गाइस, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारा हीलिंग दे दिया है। तो इतना कट कर लेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे हम पिक्सआर्ट में वापस से। तो यहाँ पे पिक्सआर्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे फोटो एडिट करने क्लिक करेंगे और ये वाला बैकग्राउंड चूजेंगे। अभी मैंने जो बनाया है उस बैकग्राउंड को ले लेंगे यहाँ से और बैकग्राउंड का यहाँ से क्लिक करेंगे, आकार पे क्लिक करेंगे, आकार को रख देंगे 3000। तो गाइस, 3000 रखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3000। तो गाइस, 3000 रख दिया मैंने यहाँ से ऑपेसिटी। तो इतना आने के बाद गाइस, यहाँ पे ऐड फोटो भी क्लिक करेंगे। एड फोटो क्लिक करने के बाद गाइस, ये वाला फ़ोटो लेंगे पहले तो, और ये फोटो ले, दोनों ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से रिमूव कर देंगे सिंपली कुछ इस प्रकार से इसको। तो गाइज, मैंने कुछ इस प्रकार से इरेज कर लिया है। तो गाइज, देख सकते कुछ इस प्रकार से इरेज कर लिया है।
तो इतना एक बार यहाँ पे सेट कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे एक पीछे वाली पीएनजी ले लेंगे कुछ यूँ, तो ये ले लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो गाइस यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और पीछे वाले को गाइस डिलीट कर देंगे यहाँ से, ये वाले फोटो को डिलीट कर लेंगे। पीएनजी कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, तो कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं फोटो एकदम ही बढ़िया तरीके से एडिट हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो बहुत बढ़िया से फोटो एडिट हो चुका है। तो सिंपली गाइस इतना एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे हम, यहाँ से स्टिकर पे जाएंगे। स्टिकर के जाने के बाद हालिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक टीशर्ट लेंगे। टीशर्ट लेने पर आने रही है गाइस, ये वाली टीशर्ट आ चुकी है। आने के बाद यहाँ से मिश्रण में क्लिक करेंगे और स्किन कर देंगे। तो गाइस जितना होने के बाद यहाँ से यहाँ पर रख देंगे पीएनजी को। तो गाइस फोटो बहुत बढ़िया एडिट हो चुका है। आज हो के वीडियो अच्छी लगी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।